अगर आपके मोबाइल भी सी टाइप है, अगर चार्जिंग पकड़ रहा है, छोड़ दे रहा है या पकड़ भी नहीं रहा है, मोबाइल ज़्यादा दिन का नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? पास आया है ओप्पो K10 5G। ये मोबाइल अभी ज़्यादा दिन का नहीं हुई है, कस्टमर कहना है 4 महीने का हुआ है। इसको देखिए, लगाते हैं तो ये पकड़ता है लेकिन छोड़ देता है। देख लीजिए, जैसे पकड़ा छोड़ दिया, ये पकड़ा, अगर इधर ज़्यादा पूरा, पहली बात चार्जिंग पिन नहीं हल रहा है, देख लीजिए इससे ज़्यादा नहीं हल रहा है। अगर इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो हल्का फुल्का पकड़ लेता है लेकिन फिर ये छोड़ देता है। जैसे हल्का फुल्का हिला, देखिए यहाँ पर छोड़ दिया। अब इसको कस के फिर लगाएंगे, हल्का फुल्का पकड़ता है, छोड़ देता है, और मान के चलिए पकड़ता भी है तो हमारा पॉइंट नहीं बढ़ाता है। ऐसे मोबाइल, अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम है तो हमको क्या करना चाहिए, देख लीजिए। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, जो भी बात बताते हैं एकदम नियम कानून से बताएंगे। अगर आप हमारी बात सुनकर अगर अपने मोबाइल में एक काम कर रहे हो तो आपकी मोबाइल 100% में 100% सही हो सकती है। देखिए अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा जो चार्जिंग पिन है सी टाइप वाला है, इसमें हमको हल्का साफ करना है, साफ करके चेक करना है, नहीं तो ऐसे दुकान पे लेके जाओगे, यही प्रॉब्लम बताओगे तो तुरंत दुकानदार बोलेगा कि भैया आपका चार्जिंग बोर्ड चेंज होगा, 500 रुपये लगेगा या 800 रुपये लगेगा, ऐसे ही दुकानदार बताएगा। अब हमको क्या करना चाहिए, देख लीजिए, सबसे पहले हमको एक रुई लेनी है, देख लीजिए ये हमारी रुई है, इसको हम गोला गोला 3 ठी या 2 ठी बनाएंगे, देख लीजिए पतला पतला, 1 गोला 2 गोला हो गया, और इसको हम 3 गोला, 4 गोले में हमको एक बार बना लेनी है, देख लीजिए ये हमारा 4 गोला हो चुका है, ऐसे ऐसे बना लेंगे रुई का। देखिए अब इसको हमको एक सुई लेनी है, जो घर पर सुई रहती है, जैसे हमारे पास चिमटी है तो आपके पास घर पर सुई होगी, और एक हमको पेट्रोल लेना है, देख लीजिए हमारा पेट्रोल है डिब्बे में। अब इसको हम क्या करेंगे, इस रुई को, जो हमारा रुई है, इसको हमको चिमटी गोला गोला बना के चिमटी के माध्यम से इसको हम पेट्रोल में भिगाएंगे। इसको हम पेट्रोल में भिगा लिए हैं, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा पेट्रोल लग चुका है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसी में डालेंगे। देख लेना आपका सी टाइप रहेगा तो नीचे या ऊपर से रहेगा, इसको हमको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब इसको हमको आखिरी बार और साफ कर लेना है, इसमें कचरा निखरेगा, अगर जितना साफ करोगे, देख लीजिए आराम से साफ करना है, उसमें हमको सुई नहीं घुसना है, ऊपर या नीचे से हमको ऐसे ऐसे करके साफ करना है जैसे साफ किए थे। देख लीजिए रुई को उसमें हला दिए हैं, और आराम आराम से ऐसे ऐसे करके हमको साफ करना है, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा, ऐसे ऐसे हमको करना है, दोनों तरफ से कर लेंगे, देख लीजिए ऊपर और नीचे से, एसी टाइप है, इसमें हमको तरे और ऊपर से दोनों तरफ से साफ कर लेना है, और इसमें कचरा निखरेगा बहुत ज़्यादा, अगर आपके मोबाइल में कचरा भरा रहेगा इसी कारण से ये हमारा चार्जिंग पिन हलता नहीं है। देख लीजिए इसको हमको आराम से साफ कर लेना है, और ये हमारा एकदम जो भी रुई निखारेंगे एकदम काली काली होके निखरेगी, अगर 3-4 बार हम कर देंगे तो हमारा मोबाइल का चार्जिंग पिन एकदम क्लीन हो जाएगा। देख लीजिए अब रुई हमारा एकदम परफेक्ट निखर रहा है, नहीं तो बहुत काली काली निखर रही है। इसको साफ करने के बाद हमको पेट्रोल लेके, जो पेट्रोल इसमें ब्रश में लगा के, देखिए ब्रश में लगा के हमको पेट्रोल, एक बार हमको अपना डाटा केबल को साफ कर लेना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि इसमें भी गर्दा माटी और मिट्टी कार्बन ना हो, एकदम अच्छे तरीके से साफ करेंगे और फूंक मारेंगे, और इसको भी हमको एकदम क्लीन कर लेना है, कोई भी मिट्टी कोई भी कचरा इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा कचरा जाते जाते भर जाता है, इसी कारण से हमारा चार्जिंग पिन पूरा हलता नहीं है। देख लीजिए एकदम परफेक्ट ये पकड़ लिया है, और एकदम परफेक्ट ये चार्ज हो रहा है, अब कितनों भी हिलाएंगे देख लीजिए अब ये छूटेगा नहीं, देखिए ये बराबर एकदम ना निखरेगा, देख लीजिए इतना हिला रहे हैं निखरेगा नहीं, पूरा मोबाइल हिला दे रहे हैं, पूरा निखरेगा नहीं, देख लीजिए हींच भी रहे हैं लेकिन ही निखर नहीं रहा है, जब तक ताकत लगा के नहीं हींचेंगे, ऐसे ही साफ किया जाता है। एक बार जरूर ट्राई कर लेना कि आपके मोबाइल में कचरा होगा तो साफ हो जाएगी, यार अगर आपके मोबाइल में कचरा होगा तो साफ हो जाएगा, आपका मोबाइल 100% चार्ज होने लगेगा। अगर आपकी मोबाइल धीमे बढ़ा रही है तब भी ये एक बार जरूर
ट्राई कर लेना, तब दुकान पे लेके जाना। अगर साफ करने पर नहीं चल रहा है तो आप एक बार जरूर ट्राई करके, नहीं हो रहा है तब दुकान पे लेके जाना, उसके पहले आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना, ताकि आपका रुपए बच सके। और आप अगर एक कंपनी का रहेगा देख लीजिए, चार्जिंग पिन इतना हाल ही खराब नहीं होता है किसी भी मोबाइल का, अगर सी टाइप रहेगा टूट जाएगा तब तो खराब हो जाएगा। अगर नहीं पकड़ रहा है या धीम, मतलब अगर चार्जिंग नहीं पकड़ रहा है या धीमे बढ़ा रहा है, इस कंडीशन में हमको एक बार साफ करके ट्राई कर लेना है, उसके बाद हमको तब लेके जाना है। अगर हमारा सही हो जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ रहा है तब हमको दुकान पे लेके जाना है। देख लीजिए ये हमारी मोबाइल सही हो गई है, एक बार जरूर ट्राई कर लेना। अगर मोबाइल के विषय में ऐसे ऐसे जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मोबाइल के विषय में एकदम छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं और बताते रहते हैं।